एलएसी पर फिर फूटा ज्वालामुखी, खतरनाक हुआ भारत का तोपखाना। चीन के वचनों पर भारत को नहीं विश्वास, भारत के ऐलान से हिल गया चीन। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर भले ही भारत चीन के बीच डिसएंगेजमेंट हो गया हो, लेकिन अभी विवाद खत्म नहीं हुआ है और ना ही चीन के किसी भी वचन पर, चीन के किसी भी कदम पर भारत को भरोसा है। अगले महीने चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है और उससे पहले चीन कोई अप्रिय घटना को अंजाम ना दे, इसके लिए भारत ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है और अपने हथियारों के जखीरे को और मजबूत करना शुरू कर दिया है, जिसमें ऐसे घातक हथियार शामिल है जो चीन की पीएलए को मिट्टी में मिला देंगे। इसके अलावा दोस्तों, भारत की ओर से एलएसी पर और ज्यादा सैनिकों को भी तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। चीन की किसी भी गुस्ताखी से पहले भारत ने सावधानी पूर्वक बड़ा फैसला लिया है। ऐसे में भारतीय सेना ने एलएसी पर अपनी आर्टिलरी यानी कि तोपखाने की क्षमताओं को बढ़ाने का प्लान तैयार किया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिर भारत एलएसी पर क्या क्या बदलाव करने वाला है और कौन कौन से हथियारों की तादाद बढ़ाने वाला है। साथ ही हम आपको इन हथियारों के बारे में भी जानकारी देंगे कि यह कितने घातक है। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और भारतीय सेना की बढ़ती ताकत से अगर आप भी खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद की बौछार कीजिएगा। दोस्तों, एलएसी पर भारत और चीन की सेना आमने सामने हैं। भले ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है और काफी सारी जगहों पर डिसएंगेजमेंट हो चुका है, भविष्य के तरफ देखते हुए सेना की मजबूती को और बढ़ा रहा है। इस कड़ी में दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले भारत ने बड़ा फैसला लेते हुए एलएसी पर तैनात करने के लिए 100 अतिरिक्त K9 वज्र तोप खरीदने के लिए ऑर्डर दिया है। रक्षा मंत्रालय से इन तोपों को खरीदने की मंजूरी मिल गई है। K9 वज्र की ताकत के बारे में आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही भारत ने दूसरा कदम यहां पर उससे भी खतरनाक उठाया है, जो दुश्मन की कई किलोमीटर में फैली सेना को तबाह करने की क्षमता रखता है। जी हां दोस्तों, भारत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की 6 रेजिमेंट एलएसी पर तैनात करेगा। एक को पहले भी आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा पर चीन के खिलाफ तैनात किया जा चुका है। इसके साथ ही भारत की ओर से तीसरा सबसे बड़ा कदम उठाया गया है स्वदेशी तोप धनुष की पहली रेजिमेंट को लेकर। जी हां, पूर्वी लद्दाख में इसको तैनात कर दिया गया है और आने वाले समय में धनुष की और रेजिमेंटों को यहां पर तैनात किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये तो हो गए भारत के उन हथियारों के बारे में जानकारी जो कि एलएसी पर अब दिखने वाले हैं और ज्यादा संख्या के अंदर। लेकिन इसके साथ ही भारत ने अब ऐसे रडार को तैनात करने की तैयारी कर ली है जिससे बचकर दुश्मन का भारत के साथ आंख मिचोली करना नामुमकिन सा हो गया है। जी हां दोस्तों, भारत की ओर से एलएसी पर स्वदेशी स्वाथी वेपन लोकेटिंग रडार को भी तैनात एलएसी पर किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये तो थे भारत की ओर से एलएसी पर आगे और ज्यादा संख्या में तैनात किए जाने वाले 4 ब्रह्मास्त्र, 4 हथियार। लेकिन अब आपको इनकी ताकत के बारे में विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये कैसे दुश्मनों के परखच्चे उड़ाने वाले हैं और इनका इतिहास कैसा है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम K9 वज्र तोप की बात करें तो K9 दक्षिणी कोरिया की तोप है जिसे भारत में L&T कंपनी बनाती है। वर्ष 2017 में भारत ने दक्षिणी कोरिया से 100 तोपों का करार किया था। इनमें से 10 सीधे कोरिया से खरीदी गई, बाकी 90 LNT के गुजरात स्थित हजीरा प्लांट में बनाई गई थी। यह सभी 100 तोपे भारतीय सेना को अब मिल चुकी है। दोस्तों, खास बात यह है कि जिस वक्त इनको खरीदा गया था, इनका लक्ष्य था हमारी सेना का कि इनको रेगिस्तान वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा जो कि पाकिस्तान से सटा बॉर्डर है, गुजरात राजस्थान जो मुख्यतः है। वहीं मई 2020 में पूर्वी लद्दाख से सटी सीमा पर चीन से विवाद के कारण K9 वज्र तोपों को पहली बार पूरी रेजिमेंट के साथ लद्दाख में तैनात किया गया था।
आपको बता दें कि एक रेजिमेंट के अंदर 18 तोपें हैं। इसके लिए दोस्तों सेना ने इन तोपों में खास विंटराइजेशन विंटर किट लगाई, क्योंकि ऐसा नहीं करते तो हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र होने के कारण इन तोपों की बैटरी फ्रीज यानी कि बेहद ठंड के कारण जम सकती थी। यही वजह है कि जो 100 नई तोपें भारत एलएनटी से अब खरीदेगा उन सभी में विंटराइजेशन किट लगी होगी, क्योंकि यह सभी चीन से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अब तैनात करने वाले हैं। अब दोस्तों भारत के हम पिनाका रॉकेट सिस्टम की बात करें तो भारतीय सेना स्वदेशी पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की 6 अतिरिक्त रेजिमेंट लेने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए करार हो गया है। एक्सटेंडेड रेंज यानी कि अतिरिक्त रेंज वाली इन नई पिनाका सिस्टम को भी चीन से सटी सीमा पर तैनात किया जाएगा। पिनाका की एक रेजिमेंट को पहले ही अरुणाचल प्रदेश से सटी एलएसी पर तैनात कर दिया गया है। नई पिनाका रेजिमेंट में गाइडेड रॉकेट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। एक तरफ से डीआरडीओ ने पिनाका को मिसाइल सिस्टम में तब्दील कर दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं अगर हम धनुष तोप की, दोस्तों स्वदेशी धनुष तोप की पहली रेजिमेंट को भी भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर तैनात किया है। धनुष गन को ओएफबी ने तैयार किया है और यह बोफोर्स गन का अपग्रेडेड वर्जन माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों भारत एलएसी पर M77 की तैनाती करने जा रहा है। दोस्तों चीन सीमा पर तैनात करने के लिए खास तौर पर अमेरिका से ली गई अल्ट्रा लाइट होविचर ULH M77 यानी कि हल्के तोपों की 6 रेजिमेंट भी ऑपरेशनलाइज हो चुकी है और 7वीं रेजिमेंट के ट्रायल चल रहे हैं। भारत ने अमेरिका से 145 M77 होविचर खरीदी है। इसके अलावा दोस्तों भारत सबसे मुख्यतः LSC पर स्वाति रडार को तैनात करने वाला है। दोस्तों DRDO और BEL ने इस वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति को तैयार किया। यह दुश्मन की सीमा में कहां से तोप या फिर दूसरे गन गोला दाग रही है उसकी ठीक ठीक लोकेशन बता देती है। ऐसे में अपनी तोप से उसी लोकेशन पर गोला दागा जाता है जहां दुश्मन की तोप तैनात रहती है। दरअसल पूर्वी लद्दाख से सटी LSC पर मई 2020 के बाद वाले विवादित इलाकों में डिसएंगेजमेंट हो गया है, लेकिन डेपसांग प्लेन और डेमचो को लेकर कोई फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। इसके अलावा अभी भी पूर्वी लद्दाख से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के 60,000 सैनिकों के साथ साथ PLA के टैंक तोप और मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा तैनात है। चीन अभी भी LSC पर डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में भारतीय सेना भी LSC पर अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में जुट गई है। दोस्तों SEO मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक का ना होने से साफ है कि LSC पर चलने वाला यह विवाद लंबा खींच सकता है। साथ ही पूर्वी लद्दाख से सटी LSC पर मई 2020 के बाद वाले विवादित इलाकों में तो डिसएंगेजमेंट हो गया है, लेकिन डेपसांग प्लेन और डेमचो को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। इसके अलावा अभी भी पूर्वी लद्दाख से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के 60,000 सैनिक तैनात है, जिसकी वजह से भारतीय सेना किसी भी गलती को दोहराना नहीं चाहती है और समय रहते चीन को माकूल जवाब देने की तैयारी कर रही है। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।